नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जीन एडिटेड बेबीज के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? चाइना के एक रिसर्च सेकुलर ने दावा किया कि उसने दो ट्विन बेबी गर्ल्स को क्रिएट किया है, जिनके जीन्स इस प्रकार के एडिट किए गए हैं कि उनको HIV नहीं हो सकता। कैसे जीन्स एडिट किए हैं? क्रिस्पर कास 9 टेक्नोलॉजी की सहायता से। पहले इस टेक्नोलॉजी के थोड़े बेसिक्स हम देख लेते हैं। हमारा शरीर कैसा होगा, रंग रूप ऑर्गन्स कैसे होंगे, सब कुछ एक ही बात पर डिपेंड करता है, हमारा DNA कैसे होगा। कई बार हमारे DNA में किसी तरह का डिफेक्शन भी पाया जाता है, जिसकी वजह से काफी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं, जीन्स में म्यूटेशन पाया जाता है। तो अब एक टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जो ना सिर्फ DNA को एडिट कर सकती है, यानी उस पोर्शन को काट सकती है जहां पर DNA में डिफेक्शन है, बल्कि नया DNA भी ऐड कर सकती है उस जगह पर जहां पर डिफेक्शन है। तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है इस टेक्नोलॉजी की सहायता से, जिसका नाम है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्ब्रियो में किसी तरह का डिफेक्शन है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, यानी कंसीव करने के बाद में बच्चा जब 7 हफ्ते का डेवलप हो गया है, उस स्टेज को कहते हैं एम्ब्रियो। मान लीजिए पता लग गया कि एम्ब्रियो में किसी तरह का डिफेक्शन है DNA में, ये DNA है, इस पोर्शन में डिफेक्शन है। तो अब एक एंजाइम है जिसका नाम है CAS9। ये जो एंजाइम है कैंची का काम करता है, ये DNA का जो डिफेक्टेड पोर्शन है उसको काट सकता है। लेकिन अब इस कैंची को पता कैसे लगेगा, इस कैंची को कैसे पता लगेगा कि DNA का सिर्फ उतना पोर्शन काटना है, कुछ कम ज्यादा कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए gRNA का यूज किया जाता है, यानी गाइडेड RNA। गाइडेड RNA के अंदर में बेस RNA होता है जो कि DNA के कॉम्प्लीमेंट्री काम करता है, समझ गए? तो gRNA गाइड करता है एंजाइम को जो कि कैंची का काम करता है कि आप इस पोर्शन को काट दीजिए। तो gRNA याद रखिएगा एक गाइड की तरह काम करता है, और काटता क्या है, ये CAS9 एंजाइम, ये कैंची का काम करता है। तो मान लीजिए ये पोर्शन यहां पे कट गया, तो बाद में इसको अलग से जो न्यू DNA है उसको फिल किया जा सकता है उस जगह पे। तो पहले जो डिफेक्शन था अब उसको काट के नया DNA ऐड कर दिया गया है, यानी अब कोई डिफेक्शन नहीं रहा। तो पहले से हमें पता लग गया था कि एम्ब्रियो को काफी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका इलाज संभव नहीं है, तो उसके DNA को पहले से चेंज कर दिया गया ताकि जन्म के बाद में वो प्रॉब्लम्स हो ही ना। ये है टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। इसमें बाद में भी एडल्ट में चेंज किया जा सकता है, सिर्फ एम्ब्रियो का तो हमने एग्जाम्पल लिया। तो ये हमने टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ बेसिक्स डिस्कस किए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में एक कन्वेंशन है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। नेचर के हिसाब से जैसा बच्चा पैदा होगा वैसा ठीक है, लेकिन नेचर के हिसाब से अगर छेड़छाड़ की जाती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में छेड़छाड़ अगर की जाती है, एम्ब्रियो में खराब जीन्स को हटा के अगर हेल्दी जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं, तो आने वाले जनरेशंस में इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए ये कन्वेंशन है कि रिप्रोडक्टिव सेल में कोई बदलाव नहीं करेगा। इवन देखो, अगर इस प्रकार से रिप्रोडक्टिव सेल में बदलाव होने लगा तो हर एक माँ बाप आएगा, बोलेगा कि मेरे बच्चे के बाल ऐसे होने चाहिए, रंग ऐसा होना चाहिए, दिमाग ज़्यादा चलना चाहिए ताकि IAS बन सके। होड़ सी मच जाएगी, मतलब कुदरत के साथ एक बहुत बड़ी ये छेड़छाड़ होगी। लेकिन हुआ क्या है, चाइना के उस साइंटिस्ट ने इस कन्वेंशन को तोड़ दिया है। चाइना के उस साइंटिस्ट ने जीन्स को एडिट करके, इस टेक्नोलॉजी की सहायता से जीन्स को एडिट करके दो ट्विन बेबी गर्ल्स को क्रिएट किया। जीन्स को इस प्रकार से एडिट किया गया है कि उन दो बेबी गर्ल्स को आगे जाके एड्स नहीं हो सकता। चाइना के साइंटिस्ट ने जो कुछ किया इसके लिए ना तो परमिशन ली गई उस ऑर्गेनाइजेशन की एथिक्स कमेटी से जिसके लिए वो काम कर रहे थे। और देखो, बेसिक रूल ये होता है साइंटिफिक कम्युनिटी का, जो भी रिसर्च की जाती है वो पहले अपने पीयर्स को दिखाई जाती है, यानी साइंटिफिक कम्युनिटी को दिखाई जाती है, ना कि नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी को। लेकिन चाइना के उस रिसर्च सेकुलर ने दो ट्विन बेबीज को क्रिएट करके अपनी रिसर्च को नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी को पहले शो किया, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है उस रिसर्च सेकुलर की, उस साइंटिस्ट की। आर्टिकल में कहा जाता है चाइना के रिसर्च सेकुलर ने जो कुछ भी किया वो गलत था,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस रिसर्च स्कॉलर को जेल में डाल दिया जाए जिस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं, या फिर उसके रिसर्च करने पर बैन कर दिया जाए। राइटर कहते हैं, देखो पास्ट में भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पर जिसने रिसर्च की थी तो उस समय इसे गलत माना गया था, लेकिन बाद में वर्ल्ड ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को अपनाया। लेकिन एक साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर काम किया था उनकी फंडिंग रोक दी गई थी, उनकी भी काफ़ी आलोचना हुई थी उस समय। इवन थ्री पेरेंट बेबी का केस ले लीजिए, जिन रिसर्च स्कॉलर्स ने थ्री पेरेंट बेबी के कंसेप्ट पर काम किया उनकी भी काफ़ी आलोचना हुई थी, उनकी भी पब्लिक फंडिंग बंद कर दी गई थी। तो इसीलिए चाइना के रिसर्च स्कॉलर ने जो कुछ किया है वो गलत है, लेकिन आप उनकी फंडिंग बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बातें करना कि उनको सजा मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। राइटर ये भी कहते हैं, देखो ये एथिक्स बनाता कौन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन बनाता है ये एथिक्स? ये एथिक्स भी तो बिजनेस ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते हैं और उनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर जीन एडिटेड बेबीज को क्रिएट करना गलत है तो फिर बिलियंस ऑफ डॉलर्स विभिन्न प्राइवेट कंपनीज के द्वारा क्यों खर्च किए जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर? ये ठीक वैसा ही है जैसा चल रहा था कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर और यूएसए के बीच। उस समय स्पेस के क्षेत्र में कंपटीशन चल रहा था दो देशों में, एक तरफ यूएसए था दूसरी तरफ यूएसएसआर था। ठीक उसी प्रकार का कंपटीशन अभी फिलहाल चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच। चाइना और यूएसए कई सारी टेक्नोलॉजीज के डोमेन में, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी। अभी फिलहाल देखो यूएसए के पास एज है, लेकिन यूएसए की जो लीड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरियाज में चाइना के ऊपर, वो लीड धीरे धीरे कम हो रही है, और यूएसए के साइंटिस्ट किसी ना किसी प्रकार से इस लीड को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो लिमिट्स लगाना, क्या करना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में क्या नहीं करना चाहिए, वो सब एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, एक प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहा है ममोथ। ममोथ मतलब एलिफेंट ग्रुप का कोई एनिमल जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी लुप्त हो चुका है। तो ऐसे एनिमल की एक आर्टिफिशियल स्पीसीज क्रिएट की जाए जीन एडिटिंग की सहायता से। क्यों? क्योंकि देखो अभी एशियन एलिफेंट जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं और जल्द ही एशियन एलिफेंट लुप्त हो सकते हैं हर्पेस वायरस के कारण। लेकिन नई स्पीसीज जो क्रिएट की जाएगी एलिफेंट्स की, उन स्पीसीज पर इस वायरस का कोई असर नहीं होगा। वो एलिफेंट पंच भी करेंगे साइबेरियन बर्फ में, बर्फ पिघलेगी नहीं और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज भी हो जाएंगी। इस प्रकार के देखो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारी नॉलेज को, जीन एडिटिंग के बारे में जो हमारी नॉलेज है उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। कैसे जो डैमेज्ड सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है, कैसे हेल्थी सेल्स को इंसर्ट किया जा सकता है डैमेज्ड सेल की जगह पर। लेकिन अभी भी बहुत समय बाकी है इस टेक्नोलॉजी पर, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स के जो कंसर्न्स हैं बहुत ही सीरियस कंसर्न्स हैं, उन पर सर्टेनली ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया जीन एडिटिंग के बारे में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन मालन्यूट्रिशन से संबंधित सिंपल क्वेश्चन है, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों में मालन्यूट्रिशन की समस्या के लिए। दूसरा पार्ट ये है, आपको ये डिस्कस करना है गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं बच्चों में मालन्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। नीचे वाला क्वेश्चन काइंड ऑफ मिक्स है, पहले वाला पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है और नीचे वाला एथिक्स से आ सकता है, मतलब पेपर 3 में इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। शुरुआत में आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, क्रिस्पर कास 9 एडिटिंग टेक्नोलॉजी है क्या। दूसरे पार्ट में आपको एथिकल कंसर्न्स डिस्कस करने हैं, इस टेक्नोलॉजी के यूज में कौन से एथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको 250 वर्ड्स में देना है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।